हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी एंड वेलकम टू अनस्पीकेबल। अनस्पीकेबल वो प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में बात थोड़ी कम होती है, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं 5 ऐसे टिप्स जो आपको मदद करेंगे अपने अंडर आर्म्स को हेल्दी एंड हाइजीनिक रखने में। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। सेल्फ हाइजीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंडर आर्म्स की स्किन को एक्सफोलिएट करें हफ्ते में कम से कम 2 बार, जिसमें आप अंडर आर्म्स की डेड स्किन को रिमूव करें। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप शावर लेते हैं नहाते वक्त, तो आप कर सकते हैं शावर जेल का यूज़। आप किसी भी ब्रांड का शावर जेल ले सकते हैं, और जितने भी मेरे रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप शावर जेल को लगा के साथ में यूज़ कर सकते हैं लूफा को, और थोड़े एक्स्ट्रा मसाज दे सकते हैं अपने अंडर आर्म्स में। इसका फायदा यह होगा कि जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, और अगर आप रेगुलरली ऐसा करेंगे तो जो डार्कनेस है अंडर आर्म्स की वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर आपके पास शावर जेल और लूफा दोनों ही नहीं है, लेकिन आप बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मेरे पास ये बॉडी स्क्रब है, अगर आप भी किसी बॉडी स्क्रब का यूज करते हैं तो आप बॉडी स्क्रब से भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपनी अंडर आर्म की स्किन को। अंडर आर्म्स में स्वेटिंग का प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ रहता है, और चाहे विंटर्स हो या समर्स, ये बहुत ही नेचुरल है। विंटर्स में भी जब हम बहुत ज्यादा कपड़ों की लेयरिंग करते हैं तब भी हमें अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होती है, और मैंने बचपन से ही सबसे ज्यादा पर्सनली इस प्रॉब्लम को फेस किया है, क्योंकि जैसे ही मेरे अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होती है वहां पर क्रिएट हो जाती है एक बहुत ही गंदी स्मेल, आप जिसे बॉडी ओड्यूर कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। जब आप कहीं बैठे हुए हैं किसी पार्टी में, या आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पर, ऐसी सिचुएशन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है आपके लिए। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो इसके लिए यूज करते हैं रोल ऑन डिओड्रेंट। और जब आप स्लीवलेस पहनते हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रोल ऑन डिओड्रेंट्स को यूज करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जितने डिओड्रेंट्स मिलते हैं उनके अंदर अल्कोहल होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी अंडर आर्म की स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो आजकल मैं रोल ऑन डिओड्रेंट यूज कर रही हूं वो है ये कामसी का डिओड्रेंट, रोल ऑन डिओड्रेंट। ये आता है 3 फ्रेग्रेंसेस में, और ये 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और यही बात मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी। ये स्वेटिंग को कंट्रोल करता है और आपकी अंडर आर्म की स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ब्रीथ करती है, तो डार्कनेस का भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। आपको अपने अंडर आर्म्स में से बहुत ही अच्छी फ्रेश जो है एक फ्रेग्रेंस फील होती है, और आपकी स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और मैंने इसको यूज करते हुए ये फील किया है कि ये 7 से 8 घंटे तक आराम से चल जाता है, उसके बाद जरूरत पड़ती है इसको दोबारा से यूज करने की। तो ये मुझे काफी अच्छी बात लगी इस प्रोडक्ट की। रोल ऑन्स को यूज करते वक्त आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जब आप रोल ऑन को लगाते हैं अपने अंडर आर्म्स में तो उसको आपको ड्राई होने देना है, आपको जल्दी से अपने हाथों को नीचे नहीं कर लेना है। अगर आप उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे तो वो काफी लंबे समय तक रहता है आपके अंडर आर्म्स में, जिससे स्वेटिंग नहीं होती है, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है आपके पास से। कामेसी के नेचुरल डिओड्रेंट में आपको 3 फ्रेग्रेंसेस जो है मिल जाती है, एक तो सिट्रस सी मिल जाता है, एक आपको फ्लोरल सनसेट मिल जाता है, और तीसरी स्वीट समर्स मिल जाती है। तीनों के अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं। सिट्रस में आपको थोड़ी सी ऑरेंज की स्मेल आएगी, फ्लोरल सनसेट में आपको फ्लोरल स्मेल आती है, और स्वीट समर जो है काफी फ्रेश रखता है आपको, समर्स के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वैसे जो मेरी फेवरेट है वो है ये फ्लोरल सनसेट, क्योंकि मुझे सारा दिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास
फ्लावर्स हैं, ऐसी वाली खुशबू आती है, तो ये मेरी फेवरेट है। और अगर आप भी इस रोल ऑन डिओड्रेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो अभी एक्साइटिंग लॉन्च ऑफर्स चल रहे हैं कामेसी की वेबसाइट पर, और एडिशनल 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड जो कि है विनी11। और वैसे कामेसी आपको अमेजोन पर भी मिल जाता है, सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो क्या चीज है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं और हमेशा हमारे आसपास ही रहती है, जो हमारे स्किन को हाइड्रेट रख सकती है, सॉफ्ट रख सकती है, और वो होता है एलोवेरा जेल। मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग तो नेचुरल एलोवेरा को भी लगाकर रखते हैं अपने घरों में, तो वो तो बेस्ट है ही कि आप उसमें से एलोवेरा निकाल लीजिए और उसे अपने अंडर आर्म्स में लगा लीजिए नहाने से 5-10 मिनट पहले, और उसके बाद आप अपना शावर रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा जेल लगा हुआ तो आप मार्केट से कोई एलोवेरा जेल जो है परचेज कर सकते हैं, पतंजलि का भी एलोवेरा जेल आता है, तो इसको अगर आप नहाने से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले लगा लेंगे तो उससे भी आप बहुत ज्यादा फर्क जो है फील करेंगे अपने अंडर आर्म्स की स्किन में। आपकी धीरे धीरे जो डार्कनेस है वो कम होने लगेगी, और आपको जो स्मेल का प्रॉब्लम रहता है अंडर आर्म्स में वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है जब आपकी स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रहती है। और आपकी स्किन अच्छे तरीके से ब्रीथ करे इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आउटफिट्स आप पहनते हैं उनका जो फैब्रिक है वो काफी ब्रीदेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें से जो हवा है वो आर पार होनी चाहिए। तो आप प्रेफर कर सकते हैं कॉटन को, लिलन को, ऐसे फैब्रिक्स को जो ब्रीदेबल हो। आपको ध्यान ये देना है कि जो पॉलिएस्टर है या सिंथेटिक किस्म के फैब्रिक्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं एयर को, वो पास नहीं होने देते हैं बॉडी में से एयर को, तो आप उनका जो इस्तेमाल है थोड़ा कम कीजिए और रेगुलर वेयर में आप ऐसे फैब्रिक्स को पहनिए जिसमें आपके जो अंडर आर्म्स की स्किन है वो अच्छे तरीके से ब्रीद कर सके। अंडर आर्म्स से हेयर को रिमूव करने के लिए हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वैक्सिंग करवाते वक्त आपको एक दो चीजों का जो ध्यान है जरूर देना है, क्योंकि मैंने ज्यादातर पार्लर्स में देखा है कि वो वैक्स हीटर्स को यूज नहीं करते हैं और काफी गर्म जो वैक्स है वो आपके अंडर आर्म्स में लगाते हैं। तो आपको पहले ही जब आप जाते हैं पार्लर में उनको मेंशन करना है कि वो बिल्कुल भी हॉट वैक्स का इस्तेमाल ना करें आपके अंडर आर्म्स में, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा हॉट वैक्स लगाते हैं अपने अंडर आर्म्स में जो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर है, जो अपर लेयर है, वो बर्न हो जाती है और वो ही डार्कनेस जो है नजर आती है आपके अंडर आर्म्स में, और आपको पता नहीं चलता है कि आपके अंडर आर्म्स में ये क्या हो रहा है। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो वैक्सिंग स्ट्रिप है वो भी बहुत जोर से पुल ना करें पार्लर्स के अंदर, क्योंकि आपकी अंडर आर्म की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब आप उसे बहुत जोर से खींचते हैं वैक्स स्ट्रिप लगाने के बाद तो आपने देखा होगा अंडर आर्म्स में कुछ जो लाइंस हैं वो बन जाती हैं, वो इसी वजह से बन जाती हैं कि आपकी अंडर आर्म्स की जो स्किन है वो लूज हो जाती है। और हमारी बॉडी में जहां की भी स्किन लूज हो जाएगी वहां पर आपको फोल्ड्स जो है नजर आने लगते हैं, तो आपको इस बात पर भी पूरा ध्यान देना है कि एक तो वैक्स बिल्कुल भी हॉट ना हो और दूसरा जब वैक्स स्ट्रिप्स को हम पुल करें तो वो बहुत जोर से ना करें। आई होप मेरे ये टिप्स आपको काम आएंगे अपने अंडर आर्म्स के हाइजीन को मेंटेन करने में। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो अंडर आर्म्स हाइजीन से रिलेटेड तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे हम सबकी मदद हो सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।